हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गला। मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो कंपैरेटिव वीडियो है जिसमें मैं दो ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट का कंपैरिजन आपके लिए लेके आई हूं, जो आपको सिमिलर फॉर्म में मिलते हैं और जिनका प्राइस रेंज भी एकदम सिमिलर है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। मैं बात कर रही हूँ ग्लूटॉन एमडी की, जो कि आपको इस टाइप के बॉक्स में मिलता है और एक बॉक्स में आपको इस टाइप की तीन स्ट्रिप्स मिलती हैं। एक स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट्स मिलती हैं, यानी कि इस एक बॉक्स में आपको 30 टैबलेट्स मिलती हैं। इन 30 टैबलेट्स का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 660 रुपीज, जो कि मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट से काफी ज्यादा कम है। ये जो सप्लीमेंट है, इसके साथ आपको 3 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है। ये जो प्रोडक्ट है वो FDA अप्रूव्ड है। बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट में ऐसे हैं जो FDA अप्रूव्ड नहीं होते, बट ये पर्टिकुलर वन इज FDA अप्रूव्ड। इसके साथ साथ GMP सर्टिफाइड है, FSSAI अप्रूव्ड है, तो ये कंज्यूम करने के लिए पूरी तरीके से सेफ है। दूसरा, जो मैंने बताया आपको सिमिलर फॉर्म में जो सप्लीमेंट मार्केट में है, जो कि रिलेटिवली न्यू है, वो है ला ऑर्गेनो की एल ग्लूटाथायोन टैबलेट्स। इस एक बॉक्स में आपको इस टाइप के 3 बॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इन 3 बॉक्स में आपको इस टाइप की टैबलेट्स मिलती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो दोनों सप्लीमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म में आपको मिलते हैं। इस प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 849 रुपीज, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी बिना कोई कूपन कोड लगाए आपको 20% ऑफ मिल रहा है। तो मैंने इसे 679 रुपीज में सिर्फ और सिर्फ परचेस किया है, इसीलिए इनका जो प्राइस है 30 टैबलेट्स का वो भी सेम है। जो मेजर अंतर है वो ये है कि ग्लूटॉन एमडी की एक टैबलेट में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 mg ग्लूटाथायोन मिल रहा है, जबकि ला ऑर्गेनो की एक टैबलेट में आपको 600 mg रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन मिल रहा है। इन दोनों ही सप्लीमेंट में आपको एल ग्लूटाथायोन मिलता है, यानी कि रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन मिलता है। ग्लूटाथायोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है एज के साथ, लेकिन ग्लूटाथायोन का लेवल आपकी बॉडी में कम होने लगता है और इसके साथ साथ ग्लूटाथायोन जैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपकी बॉडी नहीं बना पाती जो आप फूड कंज्यूम करते हैं, आपकी डाइट से, जो आप रेगुलर खाना खाते हैं उससे। इसीलिए एक सर्टेन एज के बाद या तो आप अपनी डाइट में ग्लूटाथायोन बिल्डर ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी को अपना नेचुरल ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, या फिर आप ग्लूटाथायोन का सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूटाथायोन लेना पूरी तरीके से सेफ है। ये आपको क्लियर स्किन देता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को आपकी स्किन में प्रोमोट करता है, यानी कि आपकी स्किन को यंगर लुकिंग बना के रखता है, इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, और उसके साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है ये आपके कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने का भी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि स्टडीज के अकॉर्डिंग ग्लूटाथायोन मेलेनिन के कलर को व्हाइट पिगमेंट में चेंज करता है। मेलेनिन वो पिगमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन में कलर है, तो ये उन पिगमेंट को व्हाइट पिगमेंट में चेंज कर देता है। इसीलिए अगर आप कंसिस्टेंटली ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट लेते हैं तो हो सकता है आपके कॉम्प्लेक्शन पे भी इसका असर हो। एनीवे, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए इम्यूनिटी को आपकी बूस्ट करता है, आपकी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। ग्लूटॉन एमडी की एक टैबलेट में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 mg रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन मिलता है। इसके अलावा इसमें किसी और टाइप का भी विटामिन या फिर मिनरल्स एड नहीं किया गया है, जबकि ला ऑर्गेनो की एक टैबलेट में आपको 600 mg ग्लूटाथायोन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी को फोर्स करेंगे अपना नेचुरल ग्लूटाथायोन बनाने के लिए। यानी कि ये जो सप्लीमेंट है ये ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट कम बिल्डर है। इसमें आपको अल्फा लिपोइक एसिड मिलता है, इसमें आपको विटामिन सी मिल रहा है 40 mg, असाई बेरी एक्सट्रैक्ट मिल रहा है 50 mg, एन एसेटाइल सिस्टीन मिल रहा है, जो कि अगेन एक ग्लूटाथायोन बिल्डर की तरह काम करता है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ओजीवा के ग्लूटाथायोन बिल्डर में भी मिलते हैं, लेकिन ओजीवा के ग्लूटाथायोन बिल्डर में आपको ग्लूटाथायोन नहीं मिलता, क्योंकि वो सिर्फ एक प्योर बिल्डर है। तो ये जो पर्टिकुलर सप्लीमेंट है ये सप्लीमेंट कम बिल्डर है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी एक्सपीरियंस की।
ग्लूटोन एमडी के साथ मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा खास नहीं रहा। इसे मैंने रेगुलर 15 दिन कंज्यूम किया और 15 दिन में इससे मुझे हल्का माइनर हेल्थ इश्यू फेस करने पड़े और स्किन रिएक्शन भी मुझे इससे फेस करने पड़े। इवन इस सप्लीमेंट को छोड़ने के बाद 15 दिन लग गए मुझे मेरी स्किन को ठीक करने में। बहुत माइनर थे हल्के फुल्के एक्ने मुझे आए क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली और एक्ने प्रोन है। ला ऑर्गेनिक को सप्लीमेंट को मैं 7 दिन से ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी 7 टैबलेट्स अभी खत्म हुई हैं डेली रात में डिनर के बाद और फॉर्चुनेटली मुझे इससे किसी भी टाइप का हेल्थ इश्यू फेस नहीं करना पड़ा। ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट मैं 6 महीने से ले रही हूँ इसीलिए मेरी बॉडी में ग्लूटाथायोन का जो लेवल है वो थोड़ा सा शायद इंक्रीज हो गया है। इसी वजह से मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 6 महीने की अगर मैं क्लिप से कंपेयर करूँ तो कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है और मेरी जो स्किन है वो भी काफी क्लियर हो गई है। एक्ने प्रोन स्किन वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक्ने चला जाता है लेकिन ब्राउन स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, लेकिन मेरी जो स्किन है उस पर अभी जो स्पॉट्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ फिलहाल मुझे एक एक्ने आया है जस्ट आज ही बनना स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैंने कुछ नए स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर रूटीन में एड किए क्योंकि उनका मुझे आपके साथ रिव्यू शेयर करना था मेरे स्किन केयर वाले चैनल पे। बट एनीवे ग्लूटाथायोन से मुझे पर्सनली काफी ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे पहली बात इसने मेरे एक्ने की फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर दिया और क्योंकि मैं इसे 6 महीने से ले रही हूँ तो अभी बहुत कम ही एक्ने मुझे आता है। सिर्फ तभी आता है जब मैं कोई गलत प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लूँ तो एक्ने नहीं आ रहा है इसलिए मेरी स्किन काफी हद तक क्लियर हो गई है और कॉम्प्लेक्शन को तो इसने डेफिनेटली मेरे इम्प्रूव किया है क्योंकि मैं अपनी स्किन में खुद से ही एक ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकती हूँ। ऑब्वियसली सप्लीमेंट का असर पूरी तरीके से आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप अपनी स्किन कंसर्न और स्किन टाइप के हिसाब से एक सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप धूप में घूम रहे हैं पूरा दिन, आप कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन पे नहीं लगा रहे, कोई क्रीम कोई सनस्क्रीन कुछ नहीं यूज कर रहे, सिर्फ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इसका इफेक्ट ना देखने के लिए मिले। तो इसीलिए पूरा रूटीन फॉलो कीजिए, अच्छे से खाइए, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, अच्छे से सोइए, स्ट्रेस से दूर रहिए तो डेफिनेटली आपको असर इनका दिखाई देगा। पर्सनली मुझे ये ला ऑर्गेनो वाला सप्लीमेंट कम ग्लूटाथायोन बिल्डर अच्छा लगा ग्लूटोन एमडी से। दोनों ही आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं लेकिन इसमें जो आपको ग्लूटाथायोन मिल रहा है वो काफी ज्यादा हाई डोज में मिल रहा है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ ग्लूटाथायोन के साथ एक विटामिन सी सप्लीमेंट जरूर ऐड कर लें, एक टैबलेट जरूर ऐड कर लें। आपको बहुत ही कम प्राइस में लिमसी की विटामिन सी टैबलेट मिल जाएंगे किसी भी अपने आसपास के मेडिकल स्टोर से। उसमें आई गेस आपको 500 mg एक टैबलेट में विटामिन सी मिलता है। तो इन टैबलेट को आप उस लिमसी की टैबलेट के साथ पैर करके आराम से ले सकते हैं। इसे मैं आपको कहूंगी रात में लीजिए और विटामिन सी को आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की कंपैरिजन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।